नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम चर्चा करते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हम आज पढ़ेंगे संधि। संधि संधि में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग गुण संधि। संधि में गुण संधि, गुण संधि। आइए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, गुण संधि की परिभाषा। यदि यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई या उ या बड़ा उ और री आए तो दोनों के मिलने से ए आए ए दोनों के मिलने से ए ओ दोनों के मिलने से ए ओ और अर हो जाता है यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई या उ या बड़ा उ और ली आए तो दोनों के मिलने से ए ओ और अर हो जाता है। तो इस परिभाषा को आप एक दो बार पढ़िएगा, इसके बाद हम लोग नियम पर चलते हैं। जैसे छोटा आ प्लस ई बराबर ए, ये आपका पहला नियम। दूसरा है छोटा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए, ये आपका दूसरा नियम है। बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर ए, ये आपका तीसरा नियम है। और चौथा है बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए। आइए सबसे पहले हम पहले नियम के उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण में हमने लिखा वीर प्लस इंद्र। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्वर निकालेंगे, तो वीर रवच प्लस छोटा आ प्लस ई प्लस नृ, इतना बच्चा। इन दोनों का हम योग करेंगे कि छोटा आ छोटी ई मिलकर के क्या बनते हैं ए, यहाँ हो जाएगा ए प्लस यहाँ पे नृ वच प्लस यहाँ पे वीर वच वीर हलन हुआ। अब हम तीनों का योग करेंगे, इसका इसका और इसका, ये क्या हो जाएगा वी रेन नृ।
कैसे कि ये जो रा है, रा का हलंत हटा और एक ही मात्रा लगी, ये हो गया आपका बिरल। तो ये था यहाँ पर नर प्लस ईश। अब यहाँ पे हम नर हलन प्लस छोटा आ प्लस बड़ी ई प्लस शा, ये बच्चा इन दोनों का योग हो जाएगा ए प्लस यहाँ सा प्लस नर। अब इन तीनों का योग करते हैं, तीनों को योग जब करेंगे तो ये हो जाएगा न रे नरेश। यहाँ पे सा है, ये हो जाएगा नरेश। ये तो दूसरा। अगले नियम की बात करते हैं। जैसे हमारा शब्द है रमा, रमा प्लस इंद्र, रमा प्लस इंद्र, इसका भी हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा रम प्लस बड़ा आ प्लस ई प्लस इंद्रा, ये बचा। इसके बाद इसका और इसका हमने क्या किया, जोड़ किया, तो बड़ा अब एक हो जाता है ए प्लस यहाँ पे इंद्रा बचा प्लस रम बचा, रम। अब इन तीनों का योग जब हम करेंगे तो तीनों का योग क्या होता है, ये हो जाएगा रमेंद्र। ये तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं। जैसे हमने देखा उदाहरण महा प्लस ईश बराबर महा प्लस ईश। अब यहां हमारा क्या हो जाएगा, मह हलंत लगा प्लस यहाँ पे क्या है बड़ा आ, तो यहाँ हो जाएगा बड़ा आ प्लस बड़ी ई प्लस शा। इन दोनों का योग क्या होगा, ए, दोनों का योग हो जाएगा ए प्लस सा प्लस मह, मह जरूर बच्चा। अब जब हम तीनों का योग करेंगे इनका जब तीनों का योग करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये और ये तीनों का योग हो जाएगा मह। हमारे पास है ए की मात्रा यहाँ से आ गई और शा यहाँ से, ये हो जाएगा महेश। ये आपका संधि। तो ये पहला नियम था आपका गुण संधि का। अब अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम हमारा अगला नियम है, यदि आ प्लस उ बराबर ओ, दूसरा है आ प्लस उ बराबर ओ, ये दो हो गया। तीसरा है आ प्लस बड़ा उ बराबर ओ, चौथा है बड़ा आ प्लस बड़ा उ बराबर ओ। ये हमारे नियम बने, आ प्लस उ बराबर ओ, बड़ा आ प्लस उ बराबर ओ, छोटा आ बड़ा उ बराबर ओ और बड़ा आ बड़ा उ बराबर ओ। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं सुर शुर प्लस उदय, शुर प्लस उदय, तो अभी हम क्या होगा यहाँ पे शुर बचेगा यानी हलंत लगा तो यहाँ पे आ निकल आया इससे छोटा आ, प्लस इसका उ स्वर निकाला प्लस यहाँ पे दय बचा। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगला क्या होगा, इनका इनका योग क्या हो जाएगा, ओ यहाँ बनेगा ओ प्लस दय दय और प्लस शोर शोर। अब तीनों का योग यहाँ पे हलंत है, तीनों का योग करिए ये आपका शोर इतना तो बनेगा। इस हलंत को हटाने के लिए ओ की मात्रा लगाएंगे सूर्यो दय दय सब क्या हो जाएगा सूर्योदय शोर यो दय। अगले नियम की बात हम करते हैं। अगर
महा प्लस उत्तम, महा प्लस उदय लिख लेते हैं यहाँ पर, उदय ये मह बचा, मह प्लस बड़ा आ प्लस उ प्लस द, अब इन दोनों को मिलाया तो ये क्या हो जाएगा, ओ ओ बना प्लस यहाँ द बचा प्लस फिर मह बचा, अभी तीनों का योग हो जाएगा क्या, महोदय महोदय, ये महोदय, ये समझ में आ गया। चौथे नियम की अगर हम बात करते हैं तो चौथा नियम देखते हैं, सूर्य प्लस ऊर्जा, तो यहाँ सूर्य बचा, सूर्य प्लस छोटा आ प्लस बड़ा उ प्लस जा, जा इन दोनों का योग हो जाएगा आपका ओ प्लस यहाँ पे जा बचा प्लस यहाँ पे सूर्य बचा वो भी अलंत वाला, ये हो जाएगा सूर योर जा। नेक्स्ट दया प्लस उर्मी, दया प्लस उर्मी तो यहाँ द बचा प्लस बड़ा आ प्लस बड़ा उ प्लस इसको मिलाया ओ बना प्लस मिल प्लस द, ये हो जाएगा आपका तीनों का योग अगर करते हैं दयो, ये दयो। अगला नियम देखते हैं प्लस री बराबर आर, दूसरा है बड़ा आ प्लस री बराबर आर, यहाँ पर देव प्लस ऋषि, देव छोटा आ प्लस री प्लस शिव, इन दोनों का योग हो जाएगा आपका आर अलग, यहाँ पे देव बचा प्लस शिव बचा, अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ देव, अब ये हलंत लगा, इस हलंत से इस आ से खत्म कर देंगे, ये हलंत यहाँ पे है, ये हलंत हटाने के लिए इस आ का प्रयोग किया, अब इसमें रा बचा और सा लाए देवर से, ये रा उड़ के ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा देवर से। यहाँ पे देखें महा प्लस महा प्लस ऋषि, यहाँ मैं प्लस बड़ा आ प्लस रे प्लस से, तो ये मह प्लस यहाँ दोनों जो मिलेंगे तो ये बनेगा आर प्लस से, अभी तीनों का योग हो जाएगा महर्ष, महर्षि, ये तो ये संधि आपको समझ में आई, ये थी गुड़ संधि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इसके बाद हम अगला वीडियो लेके आएंगे वृद्ध संधि, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।